अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नमस्कार, मैं वर्णु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 1444 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,24,827। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो बिहार में प्रत्येक दिन की तुलना में कोरोना मरीज की संख्या में कुछ कमी आई है। वहीं बिहार के रिकवरी रेट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1444 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,24,827 हो गई है। बिहार में फिलहाल 22,837 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। भागलपुर में डीएम प्रणव कुमार ने एक बार फिर एनएच के अभियंताओं को सड़क के गड्ढों की याद दिलाई है। एनएच 80 पर 0 माइल से आगे मरम्मत कार्य नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। डीएम ने सड़क मरम्मत से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश एनएच के अभियंता को दिया और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जून में भी डीएम ने एनएच के अभियंता को सड़क मरम्मत का कार्य करने का निर्देश दिया था। भागलपुर शहरवासियों को दशहरे का तोहफा, नए प्रवेश गेट से एंट्री अक्टूबर से। भागलपुर जंक्शन के दक्षिण तरफ नए प्रवेश द्वार और टिकट काउंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अक्टूबर में नया प्रवेश द्वार शहरवासियों को तोहफा के रूप में मिलेगा। प्रवेश गेट खुलने से दक्षिण क्षेत्र के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए उल्टा पुल के रास्ते होकर जंक्शन नहीं आना होगा। इससे शहर के 3 लाख आबादी को सहूलियत होगी। बिहार के भागलपुर सहित 4 स्मार्ट सिटी का स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हाल बेहाल, पूरे देश में फिसड्डी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे ने राज्य के चारों स्मार्ट सिटी की कलई भी खोल दी है। जिन शहरों को स्मार्ट होकर राज्य की शान बनाना था, वो स्वच्छता के मोर्चे पर पूरे देश में फिसड्डी साबित हुए हैं। स्मार्ट सिटी पटना 10 लाख से अधिक आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले 382 शहरों में भागलपुर नीचे से चौथे और बिहार शरीफ 9वें स्थान पर है। मुजफ्फरपुर भी इन सूची में 299 नंबर पर है, जबकि दूसरे राज्यों के स्मार्ट शहरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भागलपुर में महिला को दहेज के लिए ससुराल वालों ने पीटा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जीछो गांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर जान मारने की नीयत से गला दबा दिया। विवाहिता ने मायके वालों को घटना की जानकारी दी। मायके से भाई के आने पर रविवार को महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। खगड़िया जिले के रीता कुमारी की शादी सिकंदर चौधरी के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। बिहार आ रही CRPF की 7 कंपनियां नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में तैनात CRPF की 7 कंपनी बिहार लौट रही है। मंगलवार को इनके पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां को वहां से वापस किया गया है। वापस की गई इन्हीं कंपनियों में से 7 बिहार आ रही है। इसकी तैनाती नक्सल प्रभावित इलाकों में की जाएगी। वहीं बिहार में कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए अगले महीने के आखिर तक बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के राज्य में पहुंचने की संभावना है। साइबर अपराधियों पर अब कसेगा शिकंजा, ट्रेनी DSP को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग। साइबर अपराध की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस अपने अफसरों को तैयार कर रही है। इंस्पेक्टर और दरोगा के बाद अब ट्रेनी DSP को इसके अनुसंधान का गुण सिखाया जा रहा है। EOU द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को शुरू हो गया है। पहली बार यह प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। बैंकों ने नहीं लौटाए रुपए सृजन घोटाले में 7 माह बाद भी। भागलपुर में सर्टिफिकेट केस मामले में फैसला सुनाए जाने के 7 माह बाद भी बैंकों ने स्वास्थ्य और कल्याण विभाग को राशि नहीं लौटाया है। इसको लेकर कल्याण विभाग ने नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी DDC सुनील कुमार को 2 बार पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि नीलाम पत्र वाद में फैसला आने के बाद भी बैंकों द्वारा राशि नहीं दी जा रही है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश की भी मांग की गई है। पत्र का जवाब DDC ने यहां के विभाग को नहीं आया है।
डीडीसी के यहां से दिशा निर्देश आने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। पटना जंक्शन पर जहां तहां नहीं दिखेगा कचरा, बनेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, मिलेगी बायोगैस। दानापुर रेल मंडल के सबसे बड़े स्टेशन पटना जंक्शन पर अब जहां तहां कचरा बिखरा नहीं मिलेगा। जंक्शन पर कचरा प्रबंधन के लिए रेलवे की ओर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के निर्देश का पालन करने के लिए रेलवे की ओर से एक एजेंसी के जरिए प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होगा। भागलपुर में चुनाव आयोग को बुजुर्ग मतदाताओं पर आया रहम, अब घर बैठे करेंगे मतदान, जानिए। भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना काल में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में आयोग को 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं पर रहम आया है। ऐसे मतदाता जो वोट देने के लिए बूथ पर नहीं आना चाहेंगे, वो घर बैठे पोस्ट बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए यह सुविधा पहली बार व्यवस्था की। अगले महीने से विद्युत शब्दागृह में दाह संस्कार के लिए देना होगा शुल्क। भागलपुर के नगर निगम में मेयर सीमा साहा की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई। बराड़ी स्थित विद्युत शब्दागृह में शवों के अंतिम संस्कार के लिए ₹1,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमितों के दाह संस्कार के लिए शुल्क नहीं लिए जाएंगे। नगर निगम इसे सितम्बर से लागू करेगा। खुद वेंटिलेटर पर अटके सदर अस्पताल के वेंटिलेटर अब तक नहीं किया गया है इंस्टॉल। भागलपुर के सदर अस्पताल में कोरोना और दूसरे बीमारी के गंभीर मरीजों के लिए 3 सप्ताह पहले ही 4 नए वेंटिलेटर आ तो गए हैं, लेकिन इसे अभी तक इंस्टॉल तक नहीं किया गया है। मशीन सदर अस्पताल में पैक कर रखी हुई है। अभी तक ना तो ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई गई है और ना ही इसे चलाने के लिए तकनीशियनों को दक्ष किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव NDA का शांति दृश्य, यहां भी सीट बंटवारे में कम नहीं झंझट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं शेयरिंग को लेकर NDA में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में फिलहाल शांति का दृश्य है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह घोषणा शीर्ष नेतृत्व द्वारा कई बार हो चुकी है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा फुसफुसा कर ही बोल दे रहा है कि चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जिनका उपयोग BJP नेतृत्व जय का बदलने वाले व्यंजन के तौर पर करते हैं। निर्णय में इनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। मोटे तौर पर कहा जाए कि NDA में सब कुछ ठीक है, इसके घटक दलों के बीच सीटों का कोई मसला नहीं है, लेकिन सच कहिए तो सीटों को लेकर इससे अधिक विवाद है। बिहार में कोरोना संकट के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टरों की हड़ताल पर लगाई रोक। बिहार में कोरोना की भयानक स्थिति और स्वास्थ्य कर्मी का हड़ताल पर जाना मुनासिब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कर कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने उन्हें तुरंत ही काम में लौटने का आदेश दिया है। साथ ही 27 अगस्त से जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने की भी रोक लगाई है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने बिहार के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सेवा शर्त नियमावली के गठन की मांग की है। मुख्य सचिव को लिखी अपनी चिट्ठी में संघ ने कहा है कि बेलेंट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, निर्देशालयों, निगमों, संस्थानों आदि में डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्तर से ही कार्य किया जा रहा है। सरकार में टंकक के पद को मरणशील घोषित किए जाने के बाद से हमारी उपयोगिता और अधिक हो गई है। बिहार में अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या, सड़क पर मारी 3 गोली। लखीसराय में अपराधियों ने एक कारोबारी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी है। यह घटना रामगढ़ चौक के झुलौना गांव के पास की है। सड़क पर दिन दहाड़े मारी गोली। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कारोबारी गौतम साव कहीं जा रहे थे। इस दौरान 3 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। चुनाव को लेकर JDU की तैयारी, 6 सितंबर को वर्चुअल रैली करेंगे CM। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में JDU ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी की ओर से अब JDU नाम
से लाइव पोर्टल बनाया गया है। सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 2 सितंबर को इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। जेडीयू डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे बिहार में वर्चुअल रैली की तैयारी करने में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना रिंग रोड के 6 लेन के निर्माण का किया निरीक्षण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज बिहटा सरमेरा पथ एवं रिंग रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम के साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव एवं विभाग के आला अधिकारी भी बिहटा पहुंचे। रिंग रोड मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। रिंग रोड का प्रस्ताव 2014 के मास्टर प्लान में लाया गया था, जिसकी स्वीकृति लंबी प्रक्रिया के बाद मिली थी। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बुध। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले और बढ़ी राजनीतिक दलों की किचकिच। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के दोनों राजनीतिक खेमों एनडीए और महागठबंधन में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान और नीतीश के बीच के टकराव की वजह से एनडीए में जो घमासान था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन की किचकिच खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड पूरी नहीं होने पर मांझी महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं और अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों को लेकर किचकिच हो रही है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी से सीट और सरकार में हिस्सेदारी सब फाइनल कर ली, मांझी भी कहीं नहीं जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है सीटों की डिमांड को लेकर कांग्रेस आए दिनों आंखें तरे रही है, तो दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दावा किया है कि आरजेडी के साथ उनकी डील फाइनल हो चुकी है। सहनी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव वीआईपी पार्टी कितनी सीटें पर लड़ेगी यह भी तय हो गया और महागठबंधन की सरकार बनी तो उस सरकार में हमारी पार्टी की हिस्सेदारी क्या होगी यह भी तय हो गया है। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।